दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आज केजरीवाल पर जमकर बरसे। वहीं ट्विटर द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत के नक्शे से गायब करने पर ट्विटर को भी हिदायतें दी, साथ ही राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। बता दें पंजाब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसी को लेकर पंजाब में अपनी पार्टी की जगह तलाश रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने पंजाब में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही है। इसी को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज केजरीवाल पर जमकर बरसे। विज ने कहा कि केजरीवाल को कुछ काम आता नहीं है, उन्हें पंजाब की स्थिति का भी पता नहीं है, क्योंकि पंजाब में कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जाती, पैसों की कमी के कारण बिजली के ट्रांसफर नहीं बदले जाते। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ वोटों से मतलब है, उसके लिए चाहे देश का नुकसान भी क्यों ना हो जाए। वहीं ट्विटर द्वारा पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक किया गया, अब भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की गई। इसको लेकर विज ने ट्विटर को नसीहत देते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया अपनी सीमाओं में रहकर काम करे और उनको हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक ही अपना काम करना पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी द्वारा बेरोजगारी पर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी आप तो कुछ करता नहीं, फिर उसके पास पैसा कहां से आता है, वो कौन से पेड़ से पैसे तोड़कर लाता है। बात ये है केजरीवाल को और कोई काम आता नहीं है, केजरीवाल को पंजाब की स्थिति का ज्ञान नहीं है, पंजाब की फाइनेंशियल स्थिति का ज्ञान नहीं है, वहां पर कर्मचारियों को तनख्वाही नहीं दी जाती है, वहां पर ट्रांसफार्मर्स नहीं बदले जाते हैं पैसों की कमी की वजह से। तो केजरीवाल इनको तो वोटें चाहिए चाहे देश का नाश हो जाए। कौन ट्विटर लगातार विवाद में है, पहले मंत्री का अकाउंट बंद किया, ब्लॉक किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत के लक्ष्य से अलग। हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, सोशल मीडिया काम करे लेकिन उसको सीमाओं में रहकर करना पड़ेगा, जो हिंदुस्तान का कानून है उसका सम्मान करना पड़ेगा और हिंदुस्तान के कानून के तहत ही वो यहाँ पर अपनी गतिविधियाँ रख सकता है। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।